أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله واللعنة الله على عداه مجمعين من الجن والإنس من الأولين والآخرين اللهم عجل لوليك الفرج رب الشح لي الصدري ويسر لي أمري وهل الأقدة من لساني يفقه قولي اللهم لعن قتل تعمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام Respected brothers and sisters, السلام عليكم ورحمة الله Thank you very much for joining. ये वो दिन है कि जिन दिनों में हम हमारे आका और मौला अमीर उमिनी इमाम अली इब्न अबी अलैहिस्सलाम की शहादत का गम मना रहे हैं हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अमीर उमिन के कातिलीन पर इब मुलम पर बेशुमार लानत करें सहाबा को जानो कि इस सीरीज़ के आज के एपिसोड में जिन दो अहब कराम का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो अमीर उमिनी इमाम अली के क्लोज लोगों में से थे और वो है जनाब मोहम्मद इबन अबी बकराम और जनाब अब्दुल्ल इब्न जाफ़र त्यार्लाम जनाब मोहम्मद इबन अबी बकर के बारे में है कि वो जो है उनकी वालदा उनकी मदर बीबी असमा बिनते उमैस थी अयाम फ़ातिमिया के वन मिनट शॉर्ट्स में मैंने बीबी असमा बिनते उमैस के बारे में जो है डिस्कस किया है आप उसकी लिंक ऊपर या नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है देख सकते हैं बीबी असमा बिनते उमैस जो थी वो सबसे पहले जनाब जाफ़र तैयार की वाइफ़ थी और जब जनाब जाफर तैयार की जंग मोता में शहादत हो गई उसके बाद जो है क्योंकि उस जमाने में लेडीज अकेले नहीं रहते थे तो वो जो है अबू बकर के निकाह में आ गई और रसूल्लाह के आखिरी हज के दौरान जनाब मोहम्मद इबन अबी बकर की जो है उनसे विलादत हुई अबू बकर बी असमा बिनते बिनतेमेज अमीर अबी तलब के निकाह में आ गई और इसीलिए जनाब मोहम्मद इबन अबी बकर अमीरिन कहते भले अबू बकर ने जो है अबू बकर की नस्ल से है मोहम्मद लेकिन मोहम्मद मेरा बेटा है अमीर उलमो ने उनको पाला पोसा बड़ा किया और वो अमीर उल के खास शियों और खास चाहने वालों में से थे जना मोहम्मद इबन अबी बकर जो है उस जमाने में बहुत रिस्पेक्ट रखते थे क्योंकि एक तरफ से वो अबू बकर की नस्ल से थे और दूसरी तरफ से जो है वो जो है अमीर उल्मी के मुँह बोले बैठे थे तो उस जमाने में लोग जो है उनको दो खलफाओं का बेटा मानते थे अब जना मोहम्मद इबन अबी बकर के बारे में कि उन्होंने जंग जमल में जो है अमीर उलमोमिन का साथ दिया और उनके साथ जो है वो उनके साथ अपनी बहन आयशा के ख़िलाफ़ जो है लड़े उसके बाद जनाब मोहम्मद इबन अबी बकर के बारे में है कि थर्टी एट हिजरी में जब अमीर उमिन इमाम अली इब्न अबी तलब ने उनको इजिप्ट का गवर्नर बना के भेजा तो मुआविया ने अमरियास मुआविया इबन खदीज और अबुल अवर सलमी जैसे लोगों को भेजा कि जनाब मोहम्मद इबन अबी बकर को सताएं और उनका जो है वहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट करें और इस वजह से जनाब मोहम्मद इब्ने अबी बकर को बहुत तकलीफ़ें हुई और अमर अलैह की वजह से जनाब मोहम्मद इब्ने अबी बकर को एक गधे की खाल में डाल कर जला दिया गया और इस तरह जो उनकी शहादत हुई और इसी वजह से आयशा जो थी वो मुआविया से अपने एंड तक जो है नाराज़ रही ज़िंदगी के एंड तक और हमेशा जो है मुआविया पर लानत करती रही जो है इस शहादत पर बहुत खुश हुआ और अमीर सलाम ने बहुत गम बताया जनाब असमा बिन्ते उमैस के एक बेटे तो जनाब मोहम्मद इबन अबी बकरे जो अबू बकर की नस्ल से थे और जो दूसरे बेटे थे वो है जनाब अब्दुल्ला इबन जाफ़र तैयार जनाब अब्दुल्लाबन जाफर तैयार जो थे वो बीबी असमा बिनते उमैस और जनाब जाफर तैयार के फर्जन थे और वो जो है पहले मुसलमान थे पहले मुस्लिम थे जो अफ्रीका यानी या अबिसनिया में जो है पैदा हुए थे आप सब जानते हैं इन शह जनाब बीबी असमा बिन थे उमैस की स्टोरी में मैंने मेंशन किया है कि जब मक्का में बहुत इश्यूज हो रहे थे तो रसूल ने ग्रुप ऑफ मुस्लिम्स को अफ्रीका भेजा था ताकि वो वहाँ सुकून में रह सके और उनके लीडर थे जनाब जाफ़र तैयार और उनकी जोजा बीबी असमा बिन थे उमैस सलम और उनके फ़र्जन थे जनाब अब्दुल्ल इब्न जाफ़र तैयार जब रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब जाफ़र को वापस बुलाया तब जो है उनके साथ साथ जनाब अब्दुल्ल इब्ने जाफ़र भी जो है यहाँ आ गए और जनाब जाफ़र तैयार की शहादत पे रसूलुल्लाह जो है बहुत गिरिया किए और उन्होंने बीबी असमा बिनते उमैस को जो है ढारस दी उनको जो है कंडोलेंसेस दी और कहा कि इन बच्चों का जिम्मेदार अब मैं हूँ जनाब अब्दुल्ल अब्न जाफ़र जब बड़े हुए तब अमीरुल मोमिनीन इमाम अली जो उनके चाचा थे उन्होंने अपनी बेटी बीबी जैनब सलाम उल्ला की शादी जो है जनाब अब्दुल्ला से की तो जनाब अब्दुल्लाबन जाफ़र तैयार बीबी जैनब सलाम उल्ला के शौहर थे और जनाब ओन व मोहम्मद दोनों भाई जो है वो उनके बेटों में से थे जो करबला में शहीद हुए जनाब अब्दुल्लाबन जाफ़र के बारे में है कि वो जो है बहुत ही चैरिटी करते थे बहुत ही नेक आदमी थे और बहुत जो है जेनरस थे बहुत जो है लोगों में खैरा करते थे सदक़ करते थे तो कुछ लोगों ने उनको क्रिटिसाइज किया कि कि इतना क्यों आप जो है तो है जो है है करते हो तो जनाब अब्दुल्ला कहते हैं अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया है और मैं जो है इसीलिए मैं जो है जो गरीब और फकीर है उसमें जो है माल तकसीम करता हूं मुझे यह डर है कि अगर मैं ये माल तकसीम ना करूं तो कहीं अल्लाह जो है मेरे से अपनी रहमत जो है न रोक ले अपना जो है अपनी जेनरॉसिटी अल्लाह मुझसे ना रोक ले जब करबला से ही लुटा हुआ काफ़िला वापस आया तब जनाब अब्दुल्ल इब्ने जाफ़र जब उन्होंने बीबी जैनब सलाम्लै से सब मसायब सुने और इमाम सज्जाद्लाम से जब मसायब सुने तो बहुत जोश में आ गए और वो जो है चाहते थे कि जाके यजीद से जंग करें लेकिन इमाम सज्जाद ने जो है उनको रोक दिया और एट्टी हिजरी में सन अस्सी हिजरी में जो है जनाब अब्दुल्ल इब्ने जाफ़र मदीना मनवरा में जो है इस दुनिया से चले गए इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात करेंगे दो नए असहाब की स्टोरी के साथ आज शब कद्र हैं अमीरमिन की शहादत की शब भी है शब कद्र में दुआ करें कि अल्लाह हमारे ज़माने के इमाम वलियासर सर ख़ुदा के जहर में ताजील फरमाए हम सबको उनके नासिरीन में शुमार फरमाएं जो झोर दुनिया में बढ़ रहा है वो कम हो और इमाम की हो इमाम जो है आकर हमारी हिदायत करें अमीरमिन के ख़ातलिन पर भी बेशुमार लानत करे इस रात में إن شاء الله كثير ملاقات كرingly. Thank you very much for joining. وآخر الدعوان أن الحمد لله رب العالمين. و محمد و علي محمد سلوات. اللهم صل على محمد و علي محمد وعجل فرجهم.